Okay, so Prince, would you like to tell us something about your journey? जर्नी मेरी यूविका के साथ बहुत ही अलग तरीके से शुरू हुई। एक्चुअली हम बिग बॉस में मिले थे, सबको पता है। मिलने के बाद बिग बॉस में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हम पूरी तरह शेयर नहीं कर पाए थे। लाइक वो मुझे कुछ और बोल के चली गई थी एंड मैंने उसका कुछ मतलब निकाल लिया था। उसने बोला कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो आई थॉट कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो शायद इसलिए वो ऐसा बोल रही है। तो मैंने कहा ठीक है। और उस टाइम पे एक अट्रैक्शन शुरू हुई थी, लाइकिंग शुरू हुई थी। सो मैं उस टाइम फिर अजीब एक ट्रैक पे चला गया था, जो मेरा वैसे ही मैं यू नो मस्ती मुखौर करते रहता हूँ बाकी रियलिटी शोज में भी मेरे हुए। तो क्योंकि वो एक रियलिटी शो है, वहाँ पर हम सब यू नो गेम प्लान करते हैं, कुछ करते हैं। तो जब ये भी वापस आई अगेन वहाँ पर, मैं वेट कर रहा था। मैं कहा ओके, मुझे बाहर आने दो, मैं आपसे प्लीज़ मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। क्योंकि उस टाइम पर गेम अलग तरफ हो गई थी और एक यूविका की फीलिंग जो मेरे लिए थी, जो मैंने एक अलग फील किया था, वो अलग था। मुझे नहीं पता कि भगवान ने मुझे बॉम्बे में क्यों बुलाया था। आई थिंक एक रीज़न यूविका थी कि मैं यहाँ पर आऊँगा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी जल्दी प्लान कर लूँगा। वो सब कुछ इतनी यू नो आराम से होता रहा, मेरी लाइफ सेटल हुई, मैंने काम अच्छा करना शुरू किया। यू नो मेरा ध्यान बाकी चीज़ों से अलग सिर्फ काम पे और यूवी पे था, जस्ट बिकॉज ऑफ यूवी, बिकॉज यूवी मुझे बेसिक उतनी अटेंशन देती थी, यू नो उतनी केयर करती थी। सो मेरी जो यूवी के लिए एक लाइकिंग शुरू हुई थी, वो तब शुरू हुई थी। मैं एक 1 BHK में रहता था, यू नो, और यूवी मुझे बिग बॉस के बाद मिलना ही थी। हमारी स्टार्टिंग में हमने मिलना स्टार्ट किया था, मैं उसको रोज एज अ फ्रेंड, यू नो, हम कॉफ़ी में मिलते थे, कभी बाहर मिलते थे। एंड जैसे मैं बहुत बीमार पड़ गया था, मैं बहुत बीमार था, और घर वाले मेरे यहाँ पर है, मैं बताते नहीं था किसी को कि डैड मैं बीमार हूँ, मॉम बीमार, क्योंकि मॉम टेंशन ले लेती हैं। तो यूवी अपने घर से खाना लेकर आती थी एंड यू नो पट्टियाँ लेकर मेरे सिर पर कर रही थी। सो वो मोमेंट इतनी ज़्यादा मेरे लिए क्लोज हो गई थी, क्यूट हो गई थी कि यू नो कि ये बहुत केयर करने वाले इंसान है। और दूसरी बात कि मेरे घर वालों को मुझसे ज़्यादा पसंद है। यू नो जब मैं बिग बॉस में था, तो मेरे डैड ने मस्ती में घर पर जब गए थे, जब यूवी ने बुलाया था अपने घर पर, तो मेरे डैड जब मैं बिग बॉस के अंदर था और डैड मुझे मिलने आने वाले थे बिग बॉस के लिए, तो उनको बॉम्बे कुछ नहीं पता था, तो यूवी ने बहुत उनकी हेल्प करी। तो डैड, मॉम और मेरी सिस्टर यूवी के घर पे गए, तो एक क्योंकि खाली हाथ जाते हमारे घर पे, तो एक फ्रूट का टोकरा पूरा पूरा बकेट लेके गए। तो उन्हें डैड ने मजाक में बोल दिया कि ये शगुन है हमारी तरफ से, यू नो। तो वो डैड ने हंसी से बोला, और वो आज जब बातें सच होती हैं तो हम कनेक्ट करते हैं कि कैसे कुछ की हुई बातें हमेशा सच हो जाती हैं, यू नो। और डैड हंस रहे थे और मेरे को लगा कि डैड ने क्या बोल दिया, जब मुझे मॉम ने बताया ऐसे, और जी भी नहीं बताया कि आपके डैड ऐसे ऐसे आके मतलब मजाक कर रहे थे। तो मैंने बोला क्या बताऊँ, उन्होंने मजाक में सच बोला, यू नो, यू नेवर नो। तो वो कहते चल अभी क्या, अभी हम मिले हैं यार। सो वो कुछ ऐसी क्यूट चीज़ें थी जो मेरी फैमिली की तरफ से शुरू हुई थी। मेरी फैमिली ने मेरे एक्चुअली में मेरे यूवी को बोला कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई बहू आए तो तुम्हारी जैसी हो, ना बेटी बने मेरी वो तुम्हारी जैसी हो। सो बहुत ऐसी चीज़ें भगवान ने ऐसी करनी शुरू कर दी थी जो हमारे को और क्लोज लेकर आती थी। और यूवी की फैमिली में भी उसके ब्रदर आकाश और उसकी मॉम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते, जब उनको मिला, यू नो, उन्होंने मेरी बात सुनी। और क्योंकि बहुत रेयर होता है कि जब तुम एक लड़के को शो में देखते हो जहाँ पर वो बहुत सारी नौटंकियाँ कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कुछ लोग बाहर की पसंद नहीं करेंगे, और कुछ लोग क्योंकि फैंस हमारे देखते हैं वो समझ सकते हैं हमारी टीनएजर्स के हैं, हमारी एज के हैं, या फिर यूथ है जो बड़े हो चुके हैं, वो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा गेम प्लान, ये ऐसे एंटरटेन कर रहा है, कुछ कर रहा है, बट पेरेंट्स के लिए वो चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। सो उनके बाद उन्होंने मुझे समझा, जब हमने बैठ के बात करी कि वो एक शो था, शो में बहुत चीज़ें अलग होती हैं, रियल लाइफ बहुत अलग है रियलिटी शो से। सो उन्होंने मुझे समझा, और उसके बाद जैसे मैं उनके पास जाता था वो खाना बनाते थे, सो वो एक फैमिली फील आने लग गया था मुझे। सो हम उसके बाद मैं और यूवी, यू नो, काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे एक साथ, और हमने रोज़ बैठना, कॉफ़ी पीना, मतलब मेरा शूट खत्म होता था तो उसके बाद मेरे को वेट होती थी कब मैं यूवी को मिलूंगा, मैं आता रहा यूवी को पिक करता रहा, हम साथ रहते थे। उसके बाद उसका जिम बंद करवा के अपने साथ जिम शुरू करवा दिया ताकि मैं उसके और टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो हर चीज़ उसकी जो थी वो अपने साथ मैंने कनेक्ट कर ली, ताकि जितना भी टाइम मेरा उसके साथ निकले वो मेरे लिए कम था, और इतना टाइम कम होने के कारण ऐसा हो गया कि मेरी शादी। सो मेरी जर्नी यूवी के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल रही है अभी तक। हमने बहुत सारी मस्तियाँ साझ करी है। मैं जब बिजनेस करता था, यू नो, तो हमारे पास बहुत सारे मौके होते थे, मैं बाहर नहीं जा पाता था, कभी मुझे जाने का मन नहीं करता था, और ऐसा कुछ था नहीं कि लाइफ में कुछ ऐसा गोल था कि मुझे बाहर जाके कुछ ऐसा करना है। बट मेरे जितने भी बाहर के ट्रिप्स लगे हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड, चाहे वो दुबई, चाहे कहीं पर भी, वो मेरा जो शुरुआत हुई है वो यूवी के साथ हुई है। और अभी तक मैंने जितने ट्रिप्स किए हैं उसमें हमेशा यूवी इन्वॉल्व रही है, मेरे साथ रही है, और मैं चाहता हूँ कि लाइफ में जितना मैं ट्रेवल करूँ, बाहर जाऊँ, और यूवी मेरे साथ हो।
सो मेरी लाइफ में बहुत सारी जो लाइफ में चेंज लाने वाला इंसान जो भी है, यू नो, एक मैं बहुत गुस्से वाला था कि मेरे मॉम डैड बहुत यू नो टेंशन में रहते थे कि मैं इतना लड़ता था, झगड़ता था, कुछ पंगा करके घर पे आ जाता था, कभी किसी को मार देना, कभी किसी को देना। जब बॉम्बे आया था तो एक स्ट्रेस था कि वहाँ पर तो पेरेंट्स हैंडल कर लेते थे, यहाँ पर कौन हैंडल कर पाएगा। सो शी इज़ द वन जिसने मुझे बहुत यू नो काम डाउन किया कि दिस इज़ अ लाइफ, अब तुम वो चीज़ें नहीं कर सकते जो तुम करते थे। सो एक वही इंसान तुम्हें समझाता है जो तुम्हारी केयर करता है। बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपने बारे में सोचते हैं, बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। एंड यहाँ पर जब मैं लोगों को मिलता था तो मुझे लगता था कि यार कितने लोग फेक हैं यहाँ पर, यू नो, कि मुझे देखने में कुछ और लगता है और एक्चुअली में कुछ और होते हैं। बट वो जैसी है वैसी ही है, और वो वैसी ही दिखाती है और वो वैसी ही रहती है। सो ये चीज़ें मुझे यूवी के बाद पास लेके आती रही, और आज अब 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद हमारी शादी है, उसके बाद यूवी का 24 से यूवी का नहीं। अच्छा, तो आपको अभी फाइनली शादी हो गई है, तो कल परसों और लाइक फॉर 3 डेज लाइक देयर बी सो मच फन, सो मेनी ट्रेडिशंस एंड एवरीथिंग, रिचुअल्स होंगे इतने सारे, तो आपको उसको लेके क्या फीलिंग हो रही है, क्या होने वाला है? अभी 3 दिन के बाद हमारी शादी है और कल से हमारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे सारे। तो यू नो, मैं जब अपने भाइयों की शादी में जाता था और सिस्टर्स की शादी जाता था, तो सबसे ज़्यादा गंद मैं ही डालता था। मतलब जितनी भी कलोलें हैं ना, वो मैं ही करता रहा। और अभी मेरे सारे भाई यहाँ पे आ रखे हैं, यू नो, वो नई नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। सो वो फीलिंग बहुत अलग है, वो फीलिंग वही समझ पाते हैं एक्चुअली जिसकी शादी होती है। ये सच्ची में ये कहानी सुनी थी कि ये वो लड्डू है जो सब खाना चाहते हैं, और खाने के बाद की फीलिंग नहीं पता मेरे को अभी तक, वो खाने के बाद पता चलेगी, पर मैं खाने के लिए तैयार हूँ। तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत अलग थी कि एक टाइटल से ज़्यादा हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे कि हम क्या है। और मैंने बोला कि टेक योर टाइम, बिकॉज ये आपकी लाइफ का मामला है। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी स्टेप जल्दी में ऐसा लो कि आपको बाद में लगे कि ये क्या है। बट आज मैं श्योरली उसको बोलता हूँ कि मेरे पास इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है कि मुझे और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फाइनली आपकी शादी के बाद लाइक यू सी हर एज अ वाइफ, राइट? तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे? यू नो, शादी के बाद हर एक पंजाबी की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी ना सूट ज़्यादा पहने। तो मैं तो घरों में बोल दिया कि मेरा वैसे ही फैब्रिक काम है, कपड़ों का काम है, मैं कहा सूट स्टिच करवा दो बस, बहुत सारे। अब आपकी भप्पानी बहू आ रही है, अब इसके बाद वो सिर्फ सूट पहनेगी। और मैंने यूवी को बोला, मैं कहा यूवी शादी के बाद एटलीस्ट 1 महीना में तो रोज़ सूट पहनाऊंगा, ताकि मैं तुम्हें देखा कि तू पंजाबन कैसी लगती है, ताकि बहुत जीन्स वगैरह पहनी है। उसके बाद जब बॉम्बे वापस आएंगे तो ठीक है, वो वापस अपने पहरावे वापस आ जाना। बट येस, एज अ हस्बैंड मैं उसको देखने जाता हूँ, क्योंकि मैं उससे यही बात करता हूँ कि अभी शी सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू नो, हर लड़की की ख्वाहिश होगी जो उसकी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, जब वो यू नो तैयार होकर आएगी शादी के लिए, वो कैसी लगेगी। यार आई नो दैट कि जब वो रेडी होकर आएगी वो बहुत ही प्रीटी लगने वाली है। और मैं अपने भाइयों और बहनों से डिस्कस करता हूँ कि भाई मेरे को थोड़ा सजा देना, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही हो और मैं ठंडा लगूँ। तो मैं कहा नहीं, कॉम्पिटिशन होना चाहिए उसके साथ। बट ये एक हस्बैंड के लिए हमेशा प्राउड फील होगा, प्राउड फीलिंग होगी कि उसकी वाइफ प्रिटी हो, यू नो, और बाहर से तो ब्यूटीफुल हो ही और अंदर से भी ब्यूटीफुल हो, मतलब उसका सोल उसका जो दिल है वो अच्छा होना चाहिए। और यूवी का है इसलिए मैं उसके साथ हूँ, इसलिए वो मेरे साथ है और वो मुझसे ज़्यादा अच्छी इंसान है। और अभी जो रस्में हैं उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेट्स गेट टू द मेन क्वेश्चंस, व्हिच इज अबाउट यूविका, जस्ट अबाउट हर, लाइक व्हाट यू वांट टू टेल हर, लाइक समथिंग दैट हैज यू हैव नेवर सेड बिफोर, लाइक जब वो ये द वे शी हैज चेंज्ड यू, द वे शी हैज बीन विद यू, लाइक एंड यू हैव टू गिव आंसर लाइक कि यूवी देख रही है, आप यूवी को बोल रहे हैं, यूवी को रियलाइज हो रहा है। UV, I just want to say you that thank you so much, thank you, आप मेरी लाइफ में आए। मेरे को लगता है कि मुझे जितना लाइफ में चाहिए था आपने मुझे उससे ज़्यादा दिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई लाइफ मोर ब्यूटीफुल, एंड आई रियली मीन इट। मैं बहुत बुरा हूँ एक्सप्रेस करने में, मैंने आज तक आपको पता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मैं छोटे मोटे गिफ्ट्स दे देता हूँ कि आप खुश हो जाओगे। बट मैं फीलिंग्स कभी नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि मैं वैसा रहा ही नहीं हूँ कभी, यू नो, मेरी लाइफ वैसी नहीं रही है। बट तुमने मुझे हमेशा फील करवाया कि हाउ मच यू लव मी, हाउ मच यू केयर अबाउट मी, एंड योर स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, आई कैन डू एनी थिंग अगर आप खुश हो, यू नो, आपकी खुशी के लिए सीरियसली मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। और आप हमेशा मेरे ऐसे साथ हैं ना, और आपने मेरी लाइफ एक्चुअली में चेंज की है, जो मैं आज हूँ उसमें बहुत बड़ा हाथ आपका है। मेरे पेरेंट्स जितना मुझे संभाला है, यू नो, जितना मुझे एक अच्छा इंसान बनाया,
जो मेरे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, मेरे मॉम और मेरे डैड की. उसके बाद यहाँ पर आके जब मैं अकेला था तो यू नो यू द ओनली वन जिसने मुझे गाइड किया, जिसने मुझे हमेशा एक अच्छे रास्ते पे चलना सिखाया कि प्रिंस ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा आपके लिए अच्छा नहीं है. सो वो चीज़ें आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं जो मेरे नाम को और ऊपर करती हैं. और आई वॉन्ट कि मेरी लाइफ जितनी भी आगे है वो मैं आपके साथ स्पेंड करूँ. और जो मैंने फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है. मैं शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहता था, बट जब आपसे मिला हूँ तब मेरा ये था कि आप जब भी रेडी होगे तो मैं उस दिन शादी करूँगा आपसे. और दो दिन के बाद हमारी शादी है और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आपको उस रूप में देखना चाहता हूँ जिसमें हर एक लड़का अपनी वाइफ को देखना चाहता है. और आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको आने वाली पूरी ज़िंदगी में खुश रखूँगा, आपकी जो भी ख्वाहिशें वो पूरी करूँगा जब तक मैं कर पाऊँगा तब तक. और Do you want to confess something कि इस जो भी वेडिंग प्रिपरेशन में UV is being like very busy और सब कुछ अरेंजमेंट्स कर रही है. तो शायद कहीं ना कहीं आप शूटिंग में बिजी रहते हैं या सब कुछ रहते हैं तो थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाते हैं या कुछ भी. तो जस्ट मेक अ रियलाइज कि यू विल बी द बेस्ट. जो भी शिकायतें हैं छोटी मोटी जो चलती रहती हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यू नो हमारी लाइफ में ऐसा है कि हमेशा लड़के स्टूपिड होते हैं, उनमें से मैं भी एक स्टूपिड होता हूँ. ठीक है, लड़कियाँ हमेशा सेंसिटिव होती हैं और ज़्यादा केयर करने वाली होती हैं, सब कुछ हैंडल करने वाली होती हैं, चाहे वो घर हो चाहे वो कुछ भी हो. तो हमारे यू नो केस में भी ऐसा ही है. मैं सिर्फ काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ यू नो, और उसके अलावा बस यूवी भी ध्यान दे रहा हूँ. बट यूवी यू नो वो सब कुछ हैंडल करती हैं. यूवी थैंक यू सो मच कि हमारी शादी की तैयारी में भी यू नो यहाँ के सारे फंक्शंस आपने 2 महीने यूवी ने एक्चुअली 2 महीने पहले से काम लेना बंद कर दिया था कि मुझे भी सिर्फ शादी की तैयारी करनी है. यू नो वो एक्साइटेड सोल हमेशा रोज़ दिखती थी, मैं सोचता था इतनी जल्दी क्या कर रहे हो, अभी बहुत टाइम पड़ा है. तो बोलती नहीं, आप एंड मोमेंट पे करोगे और आप फंसोगे और आप ये करोगे. और आज एक्चुअली वही हो रहा है. अब मैं कभी यहाँ भागता हूँ मेरा भाई वहाँ भागता है, एंड शी सॉर्टेड, वो सब कुछ करके बैठी है और मैं सोच रहा हूँ. सो यस, अभी जितनी भी प्रिपरेशन है वो सारी युविका ने करी यहाँ की. और एक सरप्राइज आपके लिए बाकी है, जब आप चलोगे चंडीगढ़ तो आपको वो भी दिखेगा कि हमने छुप छुप के आपके लिए क्या किया है. और आपको स्पेशल फील करवाने के लिए. और मैं चाहता हूँ कि आप हर मोमेंट को जियो अभी से लेकर शादी तक की, क्योंकि ये लाइफ की हमारी ऐसी मेमोरी है जो हम दोबारा नहीं जी सकते, बट यस इसको याद करके हम बार बार जी सकते हैं. सो मैं चाहता हूँ कि ये 4 दिन ये 5 दिन हम दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम लेकर आएँ ताकि हमारी आने वाली जो ज़िंदगी या लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जाए. तो मैं तैयार हूँ और आई नो कि आपने जो भी कि अपना बेस्ट किया एंड आई डोंट गिव अ शिट कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा. आई लव यू, आई एम विद यू एंड आई एम हैप्पी दैट आपने जो किया मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत है. थैंक यू. एनीथिंग एल्स लाइक यू वांट टू कन्फेस समथिंग यू वी को, मतलब इसके अलावा आपको कुछ बोलना है? मेरे लिए एक चीज और है जो मैं भी आपको बोलना चाहता हूँ. आई नो कि आप मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, शायद मेरा प्यार 1% आपसे कम ही होगा, 1% ज़्यादा नहीं. बट मुझे आपकी केयर और आपका जो मेरे लिए यू नो मुझे अटेंशन देना है वो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है. यू नो मुझे और किसी की जरूरत नहीं है जब आप मेरे साथ हो. आप मुझे उस दिन मजाक में बोल रहे थे कि बेबी प्लीज़ मुझे फेरों में रोने मत देना, और मैंने बोला था नहीं नहीं बेबी रोना तो पड़ता है, वो तो रस्म है. बट बेब मेरे को वो हर टाइम याद है. शायद मैं वो खुशी के पल याद नहीं रखता, बट यस जो वो दुख के पल हैं जो आपने मेरे साथ रहे हैं, जब मुझे डेंगू हुआ था आप मुझे घर से उठा कर मेरे लिए भागे थे, आप 5 दिन हॉस्पिटल में मेरे साथ थे दिन रात. यू नो मेरे मॉम डैड को भी आपने घर पे भेज दिया था कि नहीं मैं हूँ यहाँ पर. और आप जो हर चीज़ मेरे लिए करते हो वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. एंड आई लव यू बेबी एंड आई लव यू सो मच. थैंक यू सो मच जो आपने अभी तक 3.5 साल में मेरे साथ किया, जो मुझे संभाला. आई थिंक मैं इतना ईजी नहीं हूँ हैंडल करना, मुझे कोई हैंडल नहीं एक्चुअली नहीं कर सकता. वो सिर्फ तुम हो जिसने मुझे अभी तक संभाल के रखा है, एक डोर में बांध के रखा है. और मैं उसका थैंक्स आपको हमेशा करता रहूँगा और मैं आपको फेरे में रोने नहीं दूँगा. अगर आप रोगे तो मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ रोना आ जाएगा. और एंड डोंट वरी, जब अपना घर वहाँ से छोड़ कर आओगे
तो आपका यहाँ पर वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। एंड भगवान ना करे कि मेरे पे ऐसा कोई टाइम दोबारा से आए जो आपने टाइम मेरे साथ बिताया, बट अगर आए तो आई नो दैट कि हम किसी भी कंडीशन में होंगे, हम कैसे भी रह रहे होंगे, यू ओनली वन यहाँ पर जो मुझे संभाल सकता है।